वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि उसे लेडी को, जो ओल्ड लेडी है, उसको हेल्प की नीड है, यानी उसको हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो उसने अपनी कार के, अपनी गाड़ी को ब्रेक मारा, ही अप्लाई द ब्रेक ऑन हिज कार एंड स्टेप और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा शी वॉज एन एल्डरली वुमन हर मिड 60। उसने देखा कि वो मतलब जो लेडी थी वो आसपास 60 उनकी जो एज है वो 60 के अलावा होगी। उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो अपनी एक्सपेंसिव कार के बाहर पर खड़ी हुई थी। तो वो जो नरेटर है वो उनके पास जाता है और स्माइल करता है दैट वरीड हर, और उनको देखकर ही वो स्माइल करता है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हेल्प फॉर द लास्ट आवर सो नो हैड स्टॉप, और वो सोचता है कि शी हैड बीन वेटिंग, शायद ये बहुत देर से वेट कर रही हैं और बहुत लगातार घंटों से वेट कर रही, पर वहाँ पर कोई उत्तर नहीं। शी थॉट वाज अ मैन गोइंग टू कॉल हर। तो उनको उस समय ये सोच में आता है कि उनको लगता है जो बुरी औरत होती है उसको लगता है कि शायद ये जो मैन उतर के आए हैं, जो आदमी उतर के आए हैं, शायद ही मुझे कुछ नुकसान होता है। यानी इस समय अगर आप भी किसी सुनने सारे रास्ते में खड़े हो जाए, अपनी गाड़ी में कहीं खराब हो जाए और आप खड़े हो जाए, तो अगर आपको उस समय कोई गाड़ी रोककर आपकी हेल्प करने भी आता है तो आपको क्या लगेगा कि शायद वो हमको कोई हर्ट करे, यानी हमको नुकसान पहुँचाए, शायद हमारी मदद करने की बजाय ऐसा भी हो सकता है कि मतलब डर सबके जहन में बैठ जाता है। तो इसी तरह से वो जो लेडी हैं उनको भी इस तरह का डर अंदर से हुआ, ही डिडंट नो सेफ एंड साउंड, और जो लेडी थी उनको लगा कि ये अच्छा आदमी नहीं है, वो ठीक ठाक उनको समझ में नहीं आया, बट हुआ ना उतना नहीं। और वो क्या कर सकते थे कि जो राइटर थे, नरेटर थे, उन्होंने कहा कि वो जो थी वो बहुत ही मतलब बेसब्री से मदद का इंतजार कर रही थी। ऑन द अदर हैंड द मैन वाज थिंकिंग ऑफ द हेल्प द वुमन, ये सारी सोच जो थी वो ओल्ड लेडी सोच रही थी, पर दूसरे ही ओल्ड लेडी के सामने जो मैन था वो सिर्फ इस उससे उद्देश्य से बाहर निकला अपनी गाड़ी की कि वो ओल्ड वुमन की जो है हेल्प करेगा, जो जिनको बहुत बैड थी यानी बहुत ज़्यादा नीड है उनको हेल्प की। ही कुड सी दैट शी वाज फ्राइटेड एंड स्टैंडिंग आउट देयर इन द कोल्ड। तो उन्होंने देखा नरेटर कि वो बहुत डरी हुई है और इतनी ठंड में भी वो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ी हुई है। ही न्यू व्हाट शी फेल्ट, इट वाज दैट चिल व्हिच ओनली अ फियर कैन फॉरगेट। वो जानते थे कि वो क्या सोच रही होगी और इतनी ठंड में बाहर खड़ी थी, पर उनके चेहरे पर सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। वो वुमेन की कार के पास पहुँचते हैं और उनको कहते हैं ना, आई एम हियर हेल्प यू, मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, बट डोंट यू वेट इनसाइड द कार, वेट दिस फॉर्म, आप अंदर जा कर क्यों नहीं बैठी जहाँ पर मैं आपको डरवाना है, आप बाहर क्यों खड़ी हैं। एंड बाय द वे आई एम ग्रे सिमसन, और फिर वो अपना उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नाम के साथ और कहते हैं कि बाय द वे मैं आई एम ग्रे
सेम को नापन दो। उन्होंने कहा कि एनी अमाउंट, आप जो अमाउंट बोलेंगे मैं वो आप दूंगी, क्योंकि आपने मेरी मदद करी है, और अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो हो सकता है मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाती या मैं इन मुसीबतों से बाहर ना निकल पाती। दे नेवर थॉट इवन वर्क फॉर वंस मोर ही पेड, दिस वाज नॉट अ जॉब फॉर हिम, वो जस्ट हेल्पिंग समवन हु वाज इन डिजायर। उसी समय प्रेम जो है वो कहते हैं कि वो सारे काम किसी की मदद करना है, किसी का कुछ करना, किसी को हेल्प देना, तो प्रेम के दिमाग में थॉट कभी नहीं आया कि प्रेम ने ये सोचा हो कि मैं किसी की मदद करूँ उसके बदले में पैसा। तो प्रेम ने कहा कि दैट हैव बीन प्लेंटी ऑफ पीपल हु हैव हेल्प मी इन अ डायर टाइम, ही हैड लिव्ड इन होल लाइफ दैट वे एंड नेवर अकर्ड टू मी दैट इन एनी अदर वे। He told the lady if she really wanted to pay him, तो वो लेडी से कहते हैं कि बहुत ऐसे लोग, अगर आप मुझे पे करना चाहती हैं या मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो आप ऐसा कार्य करिएगा कि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है मदद के लिए। इस दुनिया में ऐसे लोगों की दिन वक्त में उनको ज़रूरत पड़ जाती है मदद की, और तो आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए तो उसकी मदद करिए, उससे कहिए कि वो जाकर एक आगे भी किसी और की मदद करें। या एक लोगों की आपने पिक्चर देखी होगी, आई थिंक जो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस फिल्म, हीरो दैट फिल्म में हीरो वॉज अ सलमान खान, और उसमें कहा जाता है कि आप थैंक यू मत बोलिए, आप किसी एक की मदद करिए और उससे कहिए कि आप उससे तीन की मदद करिए, तो ये है जो हेल्प की है लेकिन वो चेन बन जाएगी और ऐसे हमारा जो देश है वो सुधरता जाएगा। सो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अपनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी सच में कुछ मुझे पे करना चाहती हैं या मेरी हेल्प को की वापसी करना चाहती हैं, तो आप क्या करिएगा कि आप किसी भी जो मदद के लिए आपकी मदद के लिए मददगार ज़रूरतमंद हो तो आप उसकी मदद कर दीजिएगा, और मैं सोचूंगा कि आपने मेरे मुझे सारी चीज़ें पे कर दी। एंड लेडी स्टार्टेड हर कार एंड गोवा में रिलेटेड है एंड स्टार्टेड इन और जल्दी अपनी घर की तरफ निकल गए। ही वॉज अ लॉन्ग डे क्वाइट कोल्ड एंड डल, और बहुत लंबा दिन था और क्वाइट कोल्ड और डल भी हो गया था, बट ही वॉज फीलिंग गुड एज स्टार्टेड फॉर होम। तो बट जो नरेटर थे उनको किसी की मदद करने से बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी उनको अच्छे से फीलिंग आ रही थी। एंड इसके बाद क्या हुआ, मीन बाई द लेडी के अक्रॉस स्मॉल कैफे। उसी समय जब लेडी अपनी जर्नी पे करती गई थी तो वहाँ पर एक स्मॉल कैफे के पास से वो गुजरी जो थोड़े किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर्स डाउन द रोड, यानी नीचे रोड के नीचे था। शी गेट डाउन फ्रॉम हर कार एंड एंटर्ड द कैफे, और वो अपनी कार छोड़ी और वहाँ पर एंटर हुई कैफे में, और उसने वहाँ पर ऑर्डर किया एक कप कॉफ़ी और टोस्ट का ऑर्डर किया। द कैफे वॉज वेरी नॉट गुड लुकिंग पोजिशन, जो कैफे था वो बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं था। आउटसाइड इट वाज टू ओल्ड शॉप एंड रिजेक्टेड पेट्रोल पंप, वहाँ पर दो दुकानें थी और पेट्रोल पंप भी जो रिजेक्ट हुए यानी बेकार पड़े हुए थे। इट वॉज स्ट्रेंज लुकिंग प्लेस, अजीब सी प्लेस थी। बट वहाँ पर क्या हुआ, द वेटर्स केम ओवर एंड गॉट अ थ्री टावर, तो वहाँ की जो वेटर्स थी वो एक थ्री टावर थी, और उसने लेडी की जो बेड थे लेडी के जो बूढ़ी लेडी थी उनके बेड नीले वालों को पूछा। शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस, पर उनकी फेस पर बड़ी स्माइल थी इन स्पाइट ऑफ दैट दैट अ होल डे शी हैड बीन ऑन फूड। द लेडी नोटिस दैट द वेटर्स वाज गोइंग टू हैव अ बेबी, तो जब वो ये सारी चीज़ें कर रही थी तो लेडी ने ये चीज़ नोटिस की कि जो लेडी है वो वेट्रेस है उसको बेबी होने वाला है, वो शी वॉज अ प्रेगनेंट। तो उसने शी मस्ट हैव बीन सफरिंग द सेम एज, तो उसको ये चीज़ पता थी ओल्ड लेडी को कि शायद ये काम तो कर रही है और बहुत खुशी लग रही है, फेस पर स्माइल रख कर काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि इसको दर्द हो रहा होगा, उसको परेशानियाँ हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ओल्ड लेडी सोच रही थी। और सोचते सोचते उसने चाय पी और तो सपना खत्म किया। तो वहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, लेडी नोटिस दैट वेटर वाज गोइंग टू हैव इट, बट स्टिल देयर वाज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वेटर्स, पर जो उसको इतना दर्द हो रहा था, उसको इतना पेन था, एक सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी, उसके असर थी जो उसका एटीट्यूड था
करने के लिए, कमाने के लिए लोग कितनी मुसीबतें उठा कर भी काम करते रहते हैं, अपनी परेशानियों को भी छुपा कर अपना काम करते रहते हैं। एट दिस सी नंबर ब्रेन और उसी समय उनको ब्रेन जो उनको रास्ते पर मददगार मिले थे उनको याद आए व्हेन मैन टू हेल्प हर व्हेन शी नीडेड इट मोस्ट। तो उनकी ये बात याद आए कि उसको आप हेल्प करिए तो उस समय ज़रूरतमंद हो, जिसको हेल्प की बहुत ज़रूरत हो। आफ्टर फिनिशिंग द मेल शी पेड द 100 pound मेल और उन्होंने अपना मेल फिनिश किया जो ओल्ड लेडी थी और उन्होंने 100 pound का बिल अदा किया। वेट्रेस को भी वेंट टू गेट चेंज फॉर 100 pound की। तो जो वेट्रेस थी वो चेंज देने गई 100 pound लेकर, पर ओल्ड लेडी हैड स्लिप्ड आउट। उतने में ओल्ड लेडी बाहर निकल गई और वो पीछे से चिट्ठी छोड़ गई। उस चिट्ठी में लिखा था द वेट्रेस वंडर्ड द लेडी कुड बी एंड टू स्टोरेज रिटर्न ऑफ द नैपकिन, यानी उस नैपकिन में लिखा था, मतलब उन्होंने नैपकिन में ही लिखकर वहाँ पर छोड़ दिया था। देयर तो जब उन्होंने उस नैपकिन को पढ़ा, वेट्रेस ने उस नैपकिन में लिखा हुआ जो पढ़ा, तो जो वेट्रेस की आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद लेडी ने क्या लिखा था, यू डोंट ओ मी एनीथिंग, आई हैव बीन देयर टू, समबडी वंस हेल्प मी आउट एंड दे आई एम हेल्पिंग, यू डोंट ओ मी एनीथिंग, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ या मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकती, पर मैंने उनको हेल्प करी क्योंकि मुझे उस समय मैं जब वहाँ बहुत परेशानी में थी तो मुझे भी किसी ने बाहर हेल्प की थी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू पे मी बैक, अगर तुम मेरी हेल्प को वापस करना चाहती हो, मेरी हेल्प के बदले मुझे कुछ देना चाहती हो, तो हियर व्हाट यू कैन डू, डू नॉट लेट दिस चेन लव एंड लिविंग, इस चेन को तोड़ना नहीं और तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करते जाना। अंडर द नैपकिन फॉर मोर 100 pound मील्स और नैपकिन के नीचे भी 400 pound मील भी रखा हुआ था। When they were able to feel sure about the friend and people who suffered, the waitress gave it to another day. और उसके बाद waitress वहाँ सारी साफ सफाई करती है। इसके बाद क्या होता है, the night when she got home from work and climbed into bed, और जो रात में वो breakfast होने जाती है वो सोचती है waitress को, waitress she was thinking about the money and what the lady had given, वो उस money के बारे में जो old lady छोड़ गई थी और जो old lady ने napkin में लिखा हुआ था उसके बारे में सोचती है। और वो क्या सोचती है, हाउ कुड द लेडी हैव नो हाउ मच शी हैड हर हस्बैंड गिवन, कैसे उस लेडी को पता चला कि उनको इतने पैसे की ज़रूरत है और उस समय हमको इतनी मदद की ज़रूरत थी। फिर द बेबी अराइविंग नेक्स्ट मंथ, और जो बेबी था उसके प्रेगनेंट लेडी थी, उसका जो बेबी है वो नेक्स्ट मंथ इट वॉज गोइंग टू बी हार्ड, तो उसके लिए बहुत तकलीफ देने वाला था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो उस ओल्ड लेडी ने उसको मदद दे दी, उसको शी न्यू हाउ वरीड हर हस्बैंड वाज, वो जानती थी कि इस वजह से कैसे की तकलीफ के कारण मेरे हस्बैंड इतना परेशान थे। एज ही लेट स्लीपिंग नेक्स्ट टू हर, और वो अपने वो सोचते सोचते ये सारी चीज़ें सो जाती है। शी गेव हिम अ सॉफ्ट हग एंड विस्पर सॉफ्ट ही, और वो उसको एक सॉफ्ट हग देती है, विस्पर सॉफ्ट ही, उसको मेरे से कारण नहीं कहती है, बहुत मरी मेरी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, और वो क्या कहती है, डोंट वरी, बेन को याद करके कहती कि एवरीथिंग बी ऑल राइट, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो सब अच्छी होंगी। मतलब इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में भी आपको वैसा ही मिलेगा, यानी आप अच्छा करते हैं तो उसके बदले में आपको अच्छा मिलता है, आप अगर बुरा करते हैं तो उसके बदले में आपको बुरा ही मिलता है। और दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी भगवान वो किसी के रूप में आपको मदद भेज देता है। तो हमेशा आप ये सोचिए कि आप हमेशा अच्छा करें, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ जलसी ना रखें। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, आई सेंड यू द ऑल द वर्क फ्रॉम व्हाट्सएप, स्टे होम। Hello students, I will teach you today data handling exercise number 19A. The number of members in 20 families are given below. ये 20 families दी हुई हैं आपको, और इनका आपको frequency distribution of table बनानी है। Firstly, इसको हम ascending order करेंगे। इस order में करेंगे
असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे फर्स्ट इसका नंबर स्मॉलर नंबर है 3, 3 राइट किया, 3 1 2 3 4 टाइम्स, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। इसके बाद 4 आया, 1 2 3 4 4, फोर टाइम्स, 5, 1 2 3 4 5 6, देन 7, 7 टाइम, 5 5 5 5 5 5, देन 5, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। नेक्स्ट 6, 1 2 3 6, 3 टाइम, 7, 1 2 2 टाइम्स, 7 7, देन 7। इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जो यहाँ पर नंबर है वो आपके होने चाहिए, यानी कि 3 जो है वो 4 टाइम्स आया, 4 4 टाइम्स, 5 7 टाइम्स, 6 3 टाइम्स और 7 2 टाइम्स। अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल। नंबर ऑफ क्या है, फैमिलीज, टेलीमार्क, टेलीमार्क्स। यहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, 3, तो 3 जो आपका है, 3 यहां पर 3 राइट किया, 3 कितना टाइम है, 1 2 3 4, टेलीमार्क्स क्या बनेगा इसका, 1 2 3 4, 4 5 6, देन 7, 4 आपका 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, और अगर इसको बनाना है 5 आपको, तो इसको कट कर दिया, तो ये हो गया आपका 5 और 1 7। इसको हमेशा अपने साइड में कट करते हैं, उस साइड में कट नहीं करते, अगर उस साइड में कट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इस साइड में कट करेंगे तो 5 होगा इसका। 6 जो है वो 3 टाइम है, 1 2 3, 7 2 टाइम्स, यानी कि कैसे राइट करेंगे, 2 टाइम्स। अब इसके नंबर 4 4 राइट किया, 4 फिर 4 राइट किया, 5 6 7 7 राइट किया, 3 3 राइट किया और 2 2 राइट किया। यहां पर आपकी लाइन ड्रॉ होगी, यहां पर टोटल हो जाएगा टोटल। अब इन दोनों को, इन जो भी नंबर हैं, इनको हम प्लस करेंगे, 4 4 8 8 7 15 15 5 20, ये देखिए, ये 20 और ये 20, ये मिलने चाहिए, अगर ये अगर मैच नहीं करेंगे तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा। ओके,